करो का नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। नगर निकाय चुनाव को लेकर मात्र शेष दिन रह गए हैं। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी। 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। सभी पार्टी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है। वहीं औरैया नगर निकाय चुनाव में वर्तमान स्थिति को देखते हुए घमासान पूरी तरीके से जारी है। इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी ताल ठोकने से पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। दिव्यापुर नगर पंचायत से बहुजन समाज पार्टी के सदस्य रहे राम कुमार अवस्थी की पत्नी संध्या अवस्थी भी चुनाव मैदान में आ गई हैं। उनके चुनाव मैदान में आते ही पार्टी प्रत्याशियों की पूरी तरीके से समीकरण बिगड़ गए हैं। अपनी पत्नी संध्या अवस्थी के पक्ष में वोट मांगते हुए राम कुमार अवस्थी ने आम जनमानस को एकजुट कर दिया है। यह जानकारी देते चले कि राम कुमार अवस्थी बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिल सका तो उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम राम कुमार अवस्थी और उनकी पत्नी संध्या अवस्थी का। राम कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने सालों से राजनीति में हैं। हमारे दर्शकों को एक बार अपने राजनीति का सफर बता दीजिए। मैडम, मैं 98 से बहुजन समाज पार्टी का सदस्य हूँ और आज भी हूँ। मैं 2005 में जिला पंचायत चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से, जिसमें जितने वोट हमें मिले थे उतने सब प्रत्याशियों को मिले थे, इस विजयी हुआ था। इसके बाद 2017 में मैंने बहुजन समाज पार्टी से उसका विधायकी का चुनाव लड़ा दिव्यापुर सीट से, और अभी तक के बहुजन समाज पार्टी से जितने विधायक बने हैं या हारे हैं उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले, हमें 53,500 वोट मिले थे। मेरा अगला सवाल संध्या अवस्थी जी से है। आप अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे संध्या जी आप? नहीं, यहाँ सबसे पहले सत्ता हेल्पलाइन जारी करूंगी, एक नंबर जारी करूंगी जिससे आपकी शिकायत उस नंबर पे बच कर समय बचे लोगों का। लोग चक्कर लगाते रहते इधर उधर, वो सब समय बचेगा उससे। और भी मैं खुद बैठूंगी, जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो समस्याएं, वो अपनी समस्याएं मेरे सामने लाए। संध्या जी, आप जब बाहर निकल रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, तो सबसे प्रमुख समस्या क्या देख रही हैं आप? सबसे प्रमुख समस्या पानी भरा हुआ है, जगह जगह गड्ढे हैं सड़कों, और जानवर घूम रहे हैं इधर उधर, कुत्ता बंदर, और इनका तो अभी तक किसी ने सोचा तक नहीं। जानवर ऐसे ही पशु का एक्सीडेंट उनकी वजह से हो रहा, बहुत बड़ी समस्या है। अगला सवाल मेरा राम कुमार जी से है। आप अपनी पत्नी, आपकी पत्नी अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हैं। आपने बहुजन समाज पार्टी को इतना समय दिया लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। इसके बाद आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन देख रहे हैं अपने लिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को टिकट नहीं दिया ये तो अलग बात है। मेरी बात पहले तक जो बीच में लोग थे उन्होंने सही तरीके से नहीं रखी, मेरी बात वहां तक नहीं पहुंचाई। जो बीच में टिकट वितरण के जो बीच में लोग थे, एक बहुजन समाज पार्टी एक बहुत कैडर पार्टी है जिसमें एक सिस्टम है, वो सिद्धांतों पर चलती है, लेकिन बीच के लोगों ने गलती की है। इसमें बहन जी की कोई गलती नहीं, उन्होंने मेरी बात नहीं पहुंचाई, लेकिन कार्यकर्ता मेरे साथ में है, हर समाज के लोग मेरे साथ में है, इसी को लेकर हम जनता के बीच में गए। राम कुमार जी, आप अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे हैं? मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो दिव्यापुर नगर है, वो 4 गांवों के बीच में बसा हुआ नगर है। यहाँ पर दिव्यापुर के नाम से 1 इंच भी जगह नहीं है। ये 4 गांवों के बीच की जमीन पर दिव्यापुर बसा हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की, पेयजल की है।
राम कुमार जी, अगर जनता आपका समर्थन दे देती है, आपको समर्थन दे देती है, तो क्या कुछ आपकी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी अपने क्षेत्र में काम करने के लिए? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था की जाए, इसे नगर पंचायत से नगर पालिका बनाया जाए और इसका चौमुखी विकास हो। संध्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जब महिलाओं के बीच जा रही हैं तो महिलाओं के लिए कौन सी समस्या देखती हैं आप? सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी कि कोई भी टॉयलेट नहीं है, जो रोड पे जैसे ब्यूटी पार्लर खुला है वहाँ लोग, कई लोग आते हैं, छोटे स्तर के लिए आते हैं, बड़े स्तर के लिए आते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि लेडीज कोई टॉयलेट बनी हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। संध्या जी, आप महिलाओं और बेटियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी? मैं उनके कला कौशल को बाहर, कई संस्थाएं खोलूंगी, उनके कला कौशल को बाहर लेके आऊं, उन्हें आत्मनिर्भर बना। राम कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर जनता का समर्थन आपको मिलता है तो अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, अगर जनता का समर्थन तो हमें मिल ही रहा है। मैं 3 स्कूलों का, सरकारी अर्ध सरकारी स्कूल है, उनका मैं अध्यक्ष हूँ। शिक्षा के लिए मैं बराबर काम कर रहा हूँ। जैसे अभी कोविड हुआ था उसमें मैंने घर घर जाके दवाइयां बंटवाई, उनके भोजन की व्यवस्था कराई, और मेरी मिसेज एक एनजीओ है उसके थ्रू काम भी करती हैं, एक ज्वाइंट ग्रुप है, उसके भी उपाध्यक्ष है। बराबर कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए करती रहती है और हम लोग पूरा समय जनता के लिए देते हैं। आज ये चुनाव कल का नहीं है, दिल का है। ये किसी मेरी जिन लोगों ने दिल में जगह बनाई है उन्हीं के लिए ये चुनाव है, ये दल का, किसी दल का चुनाव नहीं है। आप चुनावी मैदान में हैं, अपनी प्रतिद्वंदी के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? देखिए मैम, हम चुनाव मैदान में हैं। आज मेरे बीच में, जनता के बीच में दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आधे में हम हैं, आधे में सब लोग हैं। संध्या जी, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा बड़ा मुद्दा होता है, इसको लेकर आप क्या कुछ करना चाहेंगी? स्वास्थ्य के लिए मैं ऐसी संस्था खोली जाएगी, एनजीओ टाइप, इससे महिलाओं को स्वास्थ्य और सुविधा मिल सके, हर घर जाके उन्हें जागरूक किया जाएगा स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, तभी तो वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे। राम कुमार जी, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो सरकार की तरफ से दी जाती हैं, मूलभूत सुविधाएं गरीबों के लिए, असहायों के लिए, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, आप इसके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? इसके लिए जो सरकार द्वारा जनता के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, उनको जो उसके पात्र हैं उन तक पहुंचाई जाएंगी। लड़ाई तो इसी बात की है, लड़ाई इस बात की है, जो लोग कहीं पे महाभारत तभी हुआ था जब अन्याय हुआ था, जब अन्याय हुआ था तो महाभारत हुआ था, और हर वक्त जीत सत्य की होती है। संध्या जी, 3-4 ऐसे काम बता दीजिए जो आप जीतने के बाद अपनी प्राथमिकता में रखती हैं। मैं स्कूल की शिक्षा पर ध्यान दूंगी, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दूंगी, क्योंकि तो काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दवाई नहीं मिल पाती है, वहां तक पहुंच कर घर घर जाकर मैं ऐसे संस्थाएं बनाऊंगी, जिससे जैसे मैं जॉइंट ग्रुप ऑफ सहेली में अभी भी हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, तो वहां से मैं काफी देखती रहती हूँ कि अव्यवस्था है गरीबों, तो उनकी पहले मैं सेवा करूँ। राम कुमार जी, सड़क, बिजली, पानी के अलावा और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप प्राथमिकता में लाना चाहते हैं, उसको देख रहे हैं? दिव्यापुर में सबसे बड़ी समस्या पार्क की है, यहाँ पर एक भी पार्क नहीं है, बुजुर्गों को घूमने के लिए कहीं जगह नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है। पर सबसे पहले जो सरकारी जमीनें हैं उन पर इस तरीके की योजना चलाकर उनको बैठने की जगह, उनको घूमने के लिए पार्क बनवाए जाएंगे। एक दिव्यापुर ऐसी जगह है जो औद्योगिक नगरी है, उद्योग तो बड़े बड़े बहुत राष्ट्रीय स्तर के उद्योग है, लेकिन लघु उद्योग एक भी नहीं है, वो खुलवाकर छोटे लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। संध्या जी, आप चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच आप किस एजेंडे को लेकर जा रही हैं?
में दुनिया को भव्य बनाने पूरा प्रयास करने के झंडे बजा रही हूँ। यही मैं करूंगी, अध्यक्ष बनते ही मैं ये करूँगी। आप अपनी जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं प्राइम टीवी के माध्यम से? हम जनता से यही निवेदन करना चाहते हैं, आने वाले 11 तारीख को अपना अमूल वोट मेरी धर्मपत्नी श्रीमती संध्या अवस्थी का चुनाव निशान भगवान परशुराम और ये गधा मिला हुआ जो हनुमान जी का गधा है, भीम का गधा है, इसके खाने में मोहर लगाकर कितने मतों से विजयी बनाए। जैसे ये भीम के गधा 10,000 हाथियों की ताकत थी, उसी तरीके से इस गधे में, हनुमान जी के गधे में उसी तरीके से 1,00,000 यहाँ के 22,000 मतदाता है उनकी ताकत है। राम कुमार जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे, टिकट नहीं मिला, तो क्या किसी ने कहा कि आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, या जनता के समर्थन ने कहा कि आप निर्दलीय लड़िए, हम आपके साथ हैं? देखिए, टिकट नहीं मिला ये तो सभी पार्टियों ने हमसे कहा मेरे पास आ जाइए, लेकिन हमने जनता की बात को सुना। उन्होंने कहा तुम्हें हर समाज का वोट चाहिए, आप अपना नामांकन अपनी पत्नी का निर्दलीय करवाइए, हम लोग आपके साथ हैं और हर समाज का हमें वोट मिल रहा है। सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है, पीएम आवास हुआ, शौचालय हुआ, धरातल पर आप इसको कितना देख रहे हैं? देखिए, जब मैं जिला पंचायत सदस्य था उस समय में 50 कॉलोनियां मेरे कोटे से मिली थी, उसमें 1-10 रुपए का स्टाम्प एफिडेविट भी देना पड़ता है, वो भी उन लोगों को जो पात्र लोग थे उन लोगों को वो भी नहीं देना पड़ा था। ये जनता अच्छी तरीके से जानती है और मैं जनता का 25 साल से लगातार सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवक हूँ। आपने कोविड महामारी में जनता की सेवा की थी, कोविड बहुत बड़ी चुनौती थी, किस तरीके से आपने जनता के बीच में जाकर उनका समर्थन किया था आपने कोविड में? हमने उनके साथ जाकर घरों में सब्जियां नहीं पहुंच रही थी, अपने वॉलंटियर फोर्स के द्वारा उनके घरों तक सब्जियां पहुंचाई, दवाइयां पहुंचाई, गैस सिलेंडर ऑक्सीजन की व्यवस्था की, क्योंकि एक मेरी फर्म है उसमें मेरे पास में 25 सिलेंडर रखे हुए थे जिसको जरूरत थी उनके घर तक पहुंचाई। सबसे पहला वो काम क्या होगा जो अगर आपको जनता मौका दे देती है तो आप वो करना चाहेंगे? सबसे पहला काम, सबसे पहले दिव्यापुर में जो भाईचारा कायम होगा, जो दिव्यापुर की जरूरत है, जो इससे पहले पूर्वजों ने भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश की है, भाईचारा बनाया जाएगा, यही मेरी प्राथमिकता होगी। आखिरी सवाल मेरा संध्या जी से है। संध्या जी, प्राइम टीवी के माध्यम से अपने दर्शक अपनी जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहती है, हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहती है? प्राइम टीवी के माध्यम से मैं वोट मांगने की अपील कहूंगी, सब अपने वोट रूपी आशीर्वाद को दें और 11 तारीख को सब लोग वोट डालने जाएं, फिर मुझे गधे पर मोहर लगाएं, हनुमान जी का गधा ध्यान रखें, मोहर लगाकर सही बनाएं, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका संध्या जी, और राम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए। तो नगर संग्राम में आज हमारे साथ संध्या अवस्थी थी जो कि अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हैं। कोविड महामारी में इन्होंने जनता की सेवा की थी, जनता के बीच इन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई हुई है, बहुजन समाज पार्टी से थी, टिकट न मिलने पर इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का सोचा था। आज के नगर संग्राम में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।